नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और आज आप सभी के बीच में आपके अपने प्रशांत सर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है हम बात करने जा रहे हैं हमारे परम मित्र आदरणीय नदीम सर, जिनकी एकेडमी चलती है क्लाइमेक्स एकेडमी करके है लालघाट में। वहाँ पर इस बार जो है बिहार शिक्षक भर्ती में जो है बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आया है और उसी में से एक यहाँ पर प्रिय शिष्या को हमने लिया है, जो आपको बताने की कोशिश करेगी कि किस प्रकार से यहाँ पर जो रौनापार रोड पर क्लाइमेक्स एकेडमी है वो परफॉर्मेंस दे रही है। चाहे हम दरोगा भर्ती की बात करें, चाहे हम जो है यूपीपी की बात करें, चाहे हम एसएससी की बात करें, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि अभी कल जो है रिजल्ट आया है बिहार शिक्षक भर्ती का, जिसमें बच्चियों ने परचम लहराया हुआ है, जिसमें से आप सभी के बीच में एक हमारी बच्ची है जिससे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किन किन तरीके की सुविधाएं मिली और किस तरीके से तैयारी कराया गया कि आप सभी का जो है रैंक भी बहुत अच्छा आया हुआ है और पहली बार में ही चयन करा दिया गया है। तो सबसे पहले हम बच्चे से परिचय कराएंगे। आप तो हमारे परिचय के मोहताज नहीं, आप जानते हैं कि आपके अपने प्रशांत सर, ठीक है, लेकिन जो है हम बच्ची से बात करते हैं। सबसे पहले अपना ये परिचय देते हुए बताएं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर लाठघाट रौनापुर रोड, जो कि डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में पड़ता है, और यहाँ पर जो क्लाइमेक्स एकेडमी है, किस तरीके से इनका मार्गदर्शन की बताएं। नमस्ते सभी लोगों को। सर्वप्रथम मेरा नाम चंद्रकला है और मैं क्लाइमेक्स कैरियर एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। पिछले 2-3 सालों से यहाँ पढ़ रही हूँ और यहाँ के सभी शिक्षक लोग बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। देखिए, इस बच्ची ने जो है कम शब्दों में बताने की कोशिश की, क्योंकि हम प्रश्न पूछेंगे तो खुद उसका जवाब आएगा। जैसे अगर बात करें तो कितने आपके सब्जेक्ट थे परीक्षा में, इस पर पहले आप जानकारी दीजिए बच्चों को। जो आपने बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर दिया है तो उसमें दो पेपर हुए थे? यस सर, दो पेपर। हाँ, तो पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर रहा होगा? नहीं सर, पहला पेपर जो फर्स्ट डे हुआ था हम लोगों का वो जीएस था, जनरल स्टडीज का, जिसमें सारे सब्जेक्ट थे। सारे सब्जेक्ट थे, तो उसमें जो है सभी बच्चों को क्या बताना चाह रहे हैं कि जो पहला पेपर आपका हुआ सारे सब्जेक्ट थे, तो किस प्रकार से आप एग्जाम में बैठी और किन किन बातों का ध्यान दी और उनको भविष्य में इन बातों का ध्यान देना चाहिए और गलतियां नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं और सभी सर लोग बताते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप पेपर नज़दीक आ जाए जितना मर्जी पढ़ लीजिए, लेकिन पेपर से एक दिन पहले आप पढ़ना छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, खूब अच्छी नींद लीजिए, अच्छे से सो के जाइए और पेपर में बैठ के एकदम आपकी बार सिलेक्शन पार कर दीजिए। देखिए, बच्चे ने क्या कहा, आपकी बार सिलेक्शन पार, मतलब पहला चीज देखिए, पहला पॉइंट नोट करिएगा, एग्जाम से एक दिन पहले आपको बिल्कुल अपनी पढ़ाई छोड़ देनी है, रिलैक्स हो जाना है। बाकी कुछ और चीजें इनके द्वारा हम जानना चाहते हैं कि पढ़ाई के दौरान जो है किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, जैसे मैथ का कॉन्सेप्ट की बात करें, इंग्लिश की बात करें, जीएस की बात करें, साइंस की बात करें, जो भी सब्जेक्ट रहे हैं, किस तरीके से तैयारी यहाँ के टीचरों ने आपको दिया और आपने उसका फायदा लाभ उठाया परीक्षा में? सबसे पहले तो क्लाइमेक्स कैरियर एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग हम लोगों को इतना बढ़िया से नोट्स वगैरह बनवाते हैं कि जो एक बार हम नोट्स बना लेते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो एसएससी लेवल की परीक्षा हो, चाहे वो किसी भी टेट लेवल की परीक्षा हो, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, सब में हम अच्छे नंबर ला सकते हैं और सारे प्रश्न लगभग नोट्स से फंस जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ नोट्स बनवाई जाती है, चाहे वो विज्ञान हो, भूगोल हो, इतिहास हो, गणित हो, रीजनिंग हो, चाहे अंग्रेजी हो, कोई भी विषय हो, सबकी नोट्स इतनी बेहतरीन बनवाई जाती है कि उसको एक बार आप नोट्स अच्छे से बना लीजिए, रिवीजन करते रहिए, एग्जाम देते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। तो जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, ये बच्ची जो है चयनित हो चुकी है बिहार शिक्षक भर्ती में और जो यहाँ के एकेडमी का जो सपना था वो सपना साकार हो गया है। आप देख सकते हैं इसी तरह से आपका भी सपना साकार होगा, फिर नई वैकेंसियाँ आ रही हैं। और आपको याद रखना है नाम क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेक्स एकेडमी, ये लाठघाट एक पड़ता है प्लेस जो है डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में, ये मार्ग जो है ये है जो आपका आजमगढ़ से जो है रिलेटेड है, आजमगढ़ से जाता गोरखपुर, उस मार्ग पर जब आप आते हैं तो वहाँ से रौनापार की तरफ एक जो है रोड जाती है, जिस पर आप जाएंगे तो ये चमचमाती हुई जो है संस्था आपको दिखेगी और जहाँ पर प्रतिवर्ष जो है बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और वो भी टॉप रैंकर के रूप में हो रहा है। तो ये बच्ची से हमारी बात हुई, आपको पता चल गया। अच्छा, अब कैसा फील हो रहा है आफ्टर सिलेक्शन, कैसा फील हो रहा है? बहुत खुश हूँ सर। अच्छा। क्योंकि आजकल काफ़ी टाइम से इंतजार किया क्योंकि यूपी की वैकेंसी आ नहीं रही थी, एक चांस मिला कि बिहार में जाकर हम सिलेक्शन लें, तो
पहले तो हम लोगों को वहाँ अलाउड नहीं था, लेकिन जब से अलाउड किया गया, हमारी कोचिंग में पढ़ाया गया, हमने रिवीजन किया, उतनी मेहनत की और सिलेक्शन ले लिया सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब बच्चों को आपका ये राय है कि केवल एक भर्ती पकड़ के मत बैठिए, जहाँ पर भी आपको अवसर मिल रहा है सारे फार्म भरिए, उसका रिवीजन करिए। अच्छा, परीक्षा के दौरान, जो परीक्षा से ठीक पहले, कुछ ऐसे आपने वर्कआउट किया होगा जो बहुत फायदेमंद रहा होगा आपके एग्जाम के दृष्टि से, तो वो कौन सा वर्कआउट किया? सबसे पहले तो सर जी, कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, आप वही पढ़िए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप ये टेंशन लेके रहेंगे कि अरे मेरा इतिहास नहीं हुआ, मेरा हड़प्पा सभ्यता छूट गया, मेरा नरेशन छूट गया, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। अपने आप को रिलैक्स रखिए, जितना पढ़े हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, सिलेक्शन लीजिए। मतलब परीक्षा के दौरान जो इनकी सबसे अहम जो है परिश्रम का दायित्व दिया जाए, वो इनके द्वारा हमें बताया भी जा रहा था, क्योंकि फारगेट कर गए, हम याद दिलाते हैं, प्रैक्टिस सेट जो होता है एग्जाम से पहले इनके लिए बहुत फायदेमंद हुआ, जो कि यहाँ की एकेडमी का जो है पहला, हाँ, डेली रहता है, आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। मतलब प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम में क्या फायदा मिला, उसका यहाँ पर बताइए। प्रैक्टिस सेट से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, खासकर जो कोचिंग में, इंस्टीट्यूशन में जो टेस्ट कराए जाते हैं। क्या होता है कि जब भी टेस्ट कराया होता है, हमको लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उतना ही टाइम दिया जाता है, बल्कि उससे भी कम टाइम दिया जाता है जितना कि हमें एग्जाम में मिलता है। तो हमें वो प्रश्न हल करने की क्षमता हमारी जो होती है बढ़ जाती है। जो पेपर हमको वहाँ 2 घंटे में देना है, हमें 1.5 घंटे में यहाँ देने को मिलता है। तो वो प्रश्न पढ़ने, समझने, उसका उत्तर छांटने का जो एक तरीका है, वो अच्छी तरीके से मिल जाता है हमें कोचिंग में, प्रैक्टिस सेट में। और सबको प्रैक्टिस सेट हल करना चाहिए, सबको टेस्ट जरूर देना चाहिए। मतलब किसी भी सफलता का जो सबसे पहला मूल मंत्र है, वो पूरा रिवीजन करने के बाद आपको परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले जो है लगातार आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, देनी चाहिए। इससे जो है आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, एग्जाम में जाएंगे टाइमिंग कम लगेगी, गलतियां कम होंगी और आप जो है पहली बार में ही चयनित हो जाएंगे। और अपनी काबिलियत जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप प्रैक्टिस सेट करें, टेस्ट दें, उससे पता चलता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं और कमजोरी को मजबूती बनाएंगे, तो सिलेक्शन तो होगा। तो बच्चों को क्या राय देना चाहती हैं कि जैसे मान लीजिए आजमगढ़ क्षेत्र में बहुत सारी कोचिंगें चल रही हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके दृष्टि से क्या कहना चाहते हैं? मैं बस ये कहूँगी कि अपना विश्वास बनाए रखिए। जितना अध्यापक पढ़ा, अध्यापक कभी ये नहीं चाहता है कि उनके बच्चों का, उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों का सिलेक्शन ना हो। उनके पास जितना होता है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उतना बच्चों को दें, बच्चे सिलेक्शन लें और उनका नाम रोशन करें। आप सभी लोग अपने शिक्षकों पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, जितना पढ़ाते हैं उसको रिवाइज कीजिए, आपका सिलेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं, आप लोगों के बीच में ये छात्रा आई और इन्होंने अपना समय दिया और आपको इतना बेहतरीन जो है चीज़ें बताई, जिनका आप फॉलो करके आने वाली जो BPSC से भर्तियां हैं उसमें जो आप परचम लहरा सकते हैं। तो आप सभी आइए यहाँ पर जो है क्लाइमेक्स अकेडमी में जुड़िए। यहाँ पर जो है मैथ धुरंधर नदीम सर और साथ में हम भी जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बाकी और भी फैकल्टियां हैं जुड़ी हुई हैं और आपको निरंतर मार्गदर्शन करेंगे और सफलता की तरफ ले जाएंगे। इसी के साथ हम लोग लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।